बेसिकली दिखने में देख सकते हैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, दिखने में आगे से देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। तो भाई देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तीन चार लोगों ने मुझसे पूछ भी लिया। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मे योर ब्रदर दानिश। तो जैसा कि आपको मैंने कई दिन पहले स्टोरी में बताया था कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट आया है चार्डेस कंपनी से, जो कि ऑयल कूलर है, मतलब ऑयल ल्यूबर है, मतलब एक तरह से वो प्रोडक्ट है। यहाँ खबर नीचे देख सकते हैं आप, और बाकी मैं आया हूँ राजू भाई के पास। तो राजू भाई एक बार जरा आ जाओ हमारे ऑडियंस के पास। तो भाई अपने राजू भाई है, ए आर पी ब्रदर्स चैनल है भाई का। भाई ओके रिपोर्ट एकदम बिल्कुल भाई मस्त। तो भाई आज जो है ना मैं यहाँ पे अपनी बाइक लेके आया हूँ, तो भाई से हम फिट कराएंगे अपना ऑयल, क्या बोलो, ऑयल चेन ऑयलर है बेसिकली। तो बहुत है। बाकी राजू भाई इसके बारे में बताओ फटाफट से, कैसे कैसे लगा भाई ये भाई? ये सीडी कंपनी का है, सीडी मतलब चार्ज बैग्स, ठीक है, कंपनी का लोगो है, चेन ऑयलर है, चेन ऑयलर। और ये जो है यहाँ पर इसका लोगो है, ठीक है, खोलो, ठीक है। उसको हम ओपन करते हैं इस तरीके से, इसका ओपन हो जाता है बॉक्स, और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है इसका देखा जाए तो। और बात करी जाए पाइप और उसकी क्वालिटी की अंदर की, तो भाई वो कर रहे हैं फिट करने के बाद बताएंगे आपको, ठीक है। पाइप की बात करो भाई, काफी ज्यादा लेंथ, मतलब काफी ज्यादा लेंथी है और ट्रांसपेरेंट पाइप है। हाँ, ट्रांसपेरेंट सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी, ट्रांसपेरेंट पाइप है और सबसे लंबा है, ठीक है। हाँ जी, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। तो भाई हाइट के इससे भी ज्यादा बड़ा है भाई, ठीक है। ये जैसे मैं अपने हीरो में लगवाने वाला हूँ स्प्लेंडर में, तो जितने भी स्प्लेंडर वाले भाई हैं उनको कैसे फिटिंग करनी है फटाफट से ये रख के बता दो। ये बहुत ही इजी है भाई, बहुत ज्यादा इजी। यहाँ रख के बताओ जरा कैसे होगा यार ये बहुत इजी है। मैं आपको गाड़ी के पास दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया है भाई, आज की डेट में क्या होता है, स्प्लेंडर वाले जो भाई बंधु है हमारे, वो सब चेन कवर खोल लेते हैं, जो अलेवल अलेवल जिनको लगाने होते हैं, जिनको सुसा करनी होती है, सनाना फ्री थी, सनाना फ्री थी। तो अभी हमने क्या किया, इसके चेन कवर को हमने खोल लिया है, बाहर निकाल लिया है, ये बताओ ये लिया है। तो ये तो इसमें ऑलरेडी लगा के कंपनी जा रहा है, फिट आता है। पांच चार नंबर इसमें एलंकी होती है, एलंकी साथ में मिली होगी, साथ में एलंकी जो है ये मिल जाती है, चार नंबर की एलंकी, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है इस तरीके से यहाँ पे फिट होगा। तो भाई अगर आप नीचे लगाओगे तो नीचे का ऑयल जो गिरेगा गिरेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फिट करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वीक पॉइंट हमारा ये आ रहा है कि पत्ती हो रही है छोटी छोटी, कंपनी ने कितनी समझदार है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, कंपनी ने एक और बड़ी दी है, कंपनी ने लगभग दी है। अब पत्ती जो दी है, पत्ती जो दी है ये पत्ती है कुछ ज्यादा बड़ी, तो हम क्या करेंगे इस पत्ती को यहाँ से काट देंगे और नीचे वाला हिस्सा फेंक देंगे, साइड में रख देंगे, मतलब और ऊपर वाले हिस्से में जॉइंट करके थोड़ा सा तरीके से सेट कर देंगे, यहाँ पे सेट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, सेट। तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, देखते हैं जो भी है, मतलब कट करना पड़ेगा ग्राइंडर से, तो फटाफट से ग्राइंडर से इसको काटते हैं, काटते हैं।
पैच फिटिंग पूरी हो गई है। राजू भाई कुछ कहना चाहोगे? भाई मुझे ना ये जो ऑयल लगा चेन ऑयल, मुझे इसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी। क्या? वो ये कि इसके पाइप की लेंथ बहुत अच्छी है। लेंथ बहुत अच्छी है क्योंकि यार, और दूसरी चीज अच्छी लगी इसकी जो ब्रश है ना, ब्रश ये ब्रश जो है ये अच्छी है। ब्रश के अंदर दिक्कत होगी तो फिर समझ सकते हो यार तुम, ब्रश में दिक्कत होगी तो यार कोई फायदा नहीं होगा इसका। यहाँ पे क्या होगा, चेन को ऑयलिंग भी करेगा और चेन को क्लीन भी रखेगा, ये चीज बहुत बढ़िया है। काम कैसे करता है वो नीचे? और काम टायर घुमा के, ये देखो ये इस तरीके से घुमा लिया, क्लीन कर रहा है चेन को। और यहाँ से जो है अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, यहाँ से लाल लाल ऑयल आएगा इसके अंदर। चलो फटाफट दिखाऊंगा। लग रहा है देखने में, आगे से देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। तो भाई देख सकते हो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तीन चार लोगों ने मुझसे पूछ भी लिया रास्ते में रुक के, भाई कि ये सीन क्या है क्या है ये, तो बताया भाई ये ऑयल जो है ना ये मतलब ल्यूब करता है भाई चेन को, ठीक है ना, चेन ऑयलर है एक तरह से। तो भाई सबसे पहले जो काम है इसका वो ये है, देखो ये जो बटन है ना, देख रहे फुल एनर्जी आ रही है, फुल चार्जिंग वार्जिंग। तो चार्ज जो है ना, चार्ज डेक्स कंपनी का नाम है, ठीक है, इसको हम पुश करेंगे कुछ ऐसे तो नीचे जो है ना यहाँ से सप्लाई जाएगी इसकी ऑयल की, और ऑयल की जो पाइपिंग देख सकते हैं यहाँ से आ रही है। और ठीक सपोर्ट हमने इसका टाई बेल्ट से यहाँ पे लेकर यहाँ बांध दी थी टाइल, और उसके बाद टाई बेल्ट यहाँ लगा दिए, और देख सकते हैं पूरा ऑयल हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि फुल जो है ऑयल हो चुका है। और देख सकते हैं काम कैसे कर रहा है, देख लो इसके जो टीथ हैं, देख सकते हैं ये देखो जो ब्रश है ना पूरा, देखो ये काम कर रहा है ना। तो कैश इससे साफ भी रहेगी और तुम्हारी चेन जो है ल्यूब भी रहेगी, ठीक है गाइस। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, मतलब कि जो इसका लिंक होगा पेज का, वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप परचेज कर सकते हो। ये और भी चीज बनाती है बट ये मेरे को बहुत अच्छा लगा तो ये मैंने वहां से मंगवाया था। बहुत ज्यादा बढ़िया, पीछे से देख सकते हैं लुक कैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो जो भाई चेन कवर हटा के बाइक चलाते हैं वो जरूर मंगाएं, और जिनके पास पल्सर है या फिर और कोई स्पोर्ट बाइक है लाइक FZ हो गई या फिर और बड़ी बाइक जो हो गई, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बाइक जिसके अंदर चेन लगती, चाहे वो सुपर बाइक क्यों ना हो, ठीक है ना भाई, वो ये चीज मंगा के लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है, देख सकते हैं कंटेनर की जो फिनिश है बहुत अच्छी फिनिश है इसकी, ठीक है ना। इसका जो मतलब हाथ में बिल्ड क्वालिटी जो है ना पता चल जाती है, लेकर हाथ में जब लोगे पता चल जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसकी एलंकी जो है साथ में मिली हुई है और कुछ स्टिकर लगे मिले हैं साथ में, वो कहीं ना कहीं मैं बाइक में लगाऊंगा। और सामने से लुक देख सकते हो कितना बढ़िया आ रहा है। जो मैंने काम कराया है, जो फिटिंग कराई है, इंस्टॉलेशन जो हुई है वो हुई है राजीव भाई की दुकान पर। राजीव भाई की दुकान जो है, दुकान नहीं बोलूंगा उसको मैं, सर्विस सेंटर बोलूंगा प्रॉपर, जो कि एक ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है। सेम वैसे ही भाई ने पूरा इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं सारा कुछ स्पेयर पार्ट सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको, और बिल्कुल जो कंपनी के सर्विस सेंटर होते हैं सेम वैसा ही फील आएगा आपको। आप एक बार काम अगर कराना हो तो एक बार जाना जरूर उनकी दुकान पर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया रीजनेबल प्राइस पे होता है सारा काम। राजीव भाई जो है खुद देखते हैं, उनके सामने सारा काम होता है A to Z, और काम होता है एक नंबर जैसे कि आपने देखा होगा। बाकी मैंने उनकी जो पूरा जो सर्विस सेंटर है उसका टूर कराया था तो वो स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा। और गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर उनका नंबर तो क्या प्रोवाइड करूंगा, नंबर करूंगा तो बहुत फोन आएंगे। बाकी एड्रेस दे दूंगा, अगर कोई नियर बाय रहता है दिल्ली की मतलब उनके एड्रेस के आसपास तो जाके काम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई एक चीज और करनी थी आपसे कि अगर कोई भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहा है तो प्लीज जाके फॉलो कर ले, लिंक मैं इंस्टाग्राम का नीचे दे दूंगा। और अगर थोड़ी मस्ती वाली देखनी है तो भाई टिकटॉक का लिंक भी नीचे दे दूंगा जैसे कि हर बार देता हूँ, बाकी बस एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। और हाँ, जो भाई नए हैं चैनल पर वो भाई फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो और चैनल को बस सब्सक्राइब कर डालो भाई, सोच तो हमें नहीं है, फटाफट से बेल आइकन भी दबा देना। और हाँ, कल रात को मैं वैसे तो मैं लाइव कभी आता नहीं हूँ बट कल रात को मैं लाइव आया था इंस्टाग्राम पर, तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा, अच्छा लगा मुझे। तो भाई लाइव आना चाहिए बार बार, डेली आऊँ या ऑल्टरनेट डेज आऊँ ये आप मुझे बता देना, और टाइम क्या बेस्ट रहेगा।
जितना जो सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे जिस टाइम के, तो उस टाइम पे कोशिश करूंगा लाइव आने की। लाइव आने से काफी ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छी एक कनेक्टिविटी बन जाती है आपस में, तो मुझे काफी अच्छा लगा। सो दैट मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, से बात करूँ, आपके कमेंट्स जो आप मुझे करोगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फटाफट से मुझे अपने कमेंट्स के जरिए बताओ क्या करना चाहिए। बाकी बस वीडियो को एंड करते हैं, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।